अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द हमारा किचन। तो आज मैं यहाँ पे मिनी चिकन कटलेट्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है, 4 अदद आलू है जो मैंने बॉईल करके पीस लिए हैं, इधर 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच गरम मसाला है, साबुत ज़ीरा है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच पेपरिका पाउडर है, 1/2 चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा ये कलवंजी है, और इधर 1 अदद प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, साथ में थोड़ा सा धनिया है, सब्ज़ धनिया, और 3 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, और ये ब्रेड क्रम है, और 2 एग हैं, ये टिक्कियाँ बना के इसकी कोटिंग के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने पतीले में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है, इसमें हम चिकन डाल देंगे। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा भुन गया है, सारे मसाले डाल देंगे हम इसमें। प्याज भी डाल देंगे। इनको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। चलें जी, ये देखें फ्राई हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। और साथ में 1 ढक्कन वेनेगर का डालेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। और इसको पकना छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। चलें जी, 10 मिनट हो गए, तो ये देखें बड़ा अच्छा सा हो गया है, चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें इस तरह कर रही हूँ तो टूट रहा है। तो इसके अंदर अब हम डालते हैं सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया। साथ में जाएगा ये आलू बॉइल किए हुए। चलें जी, अब इनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जैसे ये ठंडा होता है तो हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। ये देखें जी, मैंने टिक्कियां बना ली हैं, तो अब इनकी कोटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अंडे को पीस लेंगे, फेंट लेंगे, सॉरी, इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। अंडा फेंट लिया है, तो अब हम इधर से एक टिक्की लेंगे
अंडे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से इसकी कोटिंग कर देंगे। चले जी, ये हमने लगा लिया है, कोटिंग कर ली है, तो अब हम इसको शैलो फ्राई करते हैं। ऑयल हमने डाल दिया था पैन में, तो ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिक्कियाँ डालते हैं। ये देखें जी, टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। ये देखें, इसी तरह सारी कर लेंगे हम। ये देखें जी, हमारे बहुत मजे के मिनी कटलेस चिकन रेडी हैं, तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं और बना के मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो वैसे भी ईद आने वाली है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल अमारास किचन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।